For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. I'm Zoha Suhail. I'm a clinical nutritionist and a lecturer. मैंने Home Economics College से bachelor's किया है और वहीं से ही postgraduate diploma in dietetics किया है और MPhil Fatima Memorial Hospital से किया है और इस वक्त मैं Rashid Latif Medical College में as a lecturer काम कर रही हूँ और साथ ही साथ Lahore Polyclinic में as a consultant nutritionist भी काम कर रही हूँ. एक renowned proverb है, what we sow is what we reap. जो भी हम बोते हैं एट द एंड ऑफ द डे हम उसी को काटते हैं. हमारी बॉडी के साथ भी बिल्कुल यही सेम सिचुएशन है कि वट एवर वी विल ईट एट द एंड ऑफ द डे विल सफ़र विद दैट. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को, अपनी लाइफस्टाइल को वेरी स्टार्ट ऑफ द डे से ही बहुत हेल्दी वे में लेकर चलना चाहिए क्योंकि एंड पे उसके रिजल्ट्स बिल्कुल वैसे ही होंगे. कन्वर्सली अगर हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को, अपने डाइटरी हैबिट्स को ठीक तरह से नहीं लेकर चलते तो एट द एंड ऑफ द डे हम उसी के साथ सफ़र करेंगे. सो इसलिए अपने डेली लाइफस्टाइल को, अपनी डेली हैबिट्स को बैलेंस्ड वे में, गुड वे में लेकर चलना बहुत ज़रूरी है. आज हम बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में और ऑर्गेनिक फूड्स के बारे में. बैलेंस डाइट से मुराद ऐसी डाइट है जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस प्रोपोर्शन में हमारे पास प्रेजेंट हैं जो ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है. और ऑर्गेनिक फूड्स ऐसे फूड्स हैं जो हर किस्म के प्रिजर्वेटिव से, केमिकल एजेंट से, आर्टिफिशियल कलर से, फ्लेवर से बिल्कुल फ्री हैं. और अपनी बैलेंस डाइट में अगर हम ऑर्गेनिक फूड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारा बॉडी वेट, हमारी बॉडी में डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स और एजिंग के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत दूर रहेंगे. लेकिन अगर हम अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल एजेंट्स हैं, एडिटिव्स हैं, उससे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की क्वान्टिटी ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी जिसके रिजल्ट में एजिंग के सिम्टम्स, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, बॉडी वेट या तो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा या बहुत कम होना शुरू हो जाएगा. तो इस तरह के बहुत से मसले शुरू हो जाएंगे. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट के साथ साथ ऑर्गेनिक फूड्स का इस्तेमाल डेली अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर करना चाहिए. पेशेंट्स बहुत से डिफरेंट केसेस के साथ आते हैं. कुछ पेशेंट्स को डायबिटीज़ का डिसऑर्डर होता है, कुछ के ऑल्टर्ड लिपिड प्रोफाइल है, कुछ पेशेंट रीनल डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं, कुछ को कैंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ पेशेंट्स के अंदर एजिंग के सिम्टम्स आ जाते हैं, कुछ पेशेंट्स के अंदर रीनल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस का इशू होता है. तो हर पेशेंट का जो प्लान है, जो मील प्लान है, वो टोटली इंडिविजुअलाइज्ड होता है. सब पेशेंट्स की हाइट, वेट, बॉडी रिक्वायरमेंट्स, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, उनकी जॉब ऑक्यूपेशन को देखकर उनका मील प्लान किया जाता है जिसमें उनकी डाइट थेरेपी और न्यूट्रिएंट थेरेपी टोटली इंडिविजुअलाइज्ड होती है. तो इसलिए सब पेशेंट्स के लिए, सब ह्यूमन बॉडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिविजुअलाइज्ड प्लान्स को फॉलो करें क्योंकि वन प्लान डजेंट फिट्स टू एवरीवन. हर बंदे का प्लान दूसरे बंदे से डिफरेंट होता है. तो उसके लिए अपने न्यूट्रिशन कंसल्टेंट से ज़रूर गाइडलाइंस लेनी चाहिए. आजकल बॉडी वेट डिसऑर्डर्स हर पेशेंट में बहुत डिफरेंट तरह के आ रहे हैं. कुछ पेशेंट्स ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, कुछ पेशेंट्स ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं. ओबेसिटी और ओवरवेट के ऊपर तो बहुत काम किया जा रहा है लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन अंडरवेट भी हो रही है. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडरवेट पेशेंट्स के लिए भी थेरेपीज प्लान की जाएँ ताकि वो इस सिचुएशन में से नॉर्मल वेट की तरफ आ सकें. तो इसलिए अंडरवेट पेशेंट्स में बिल्कुल इंडिविजुअलाइज्ड प्लान्स पेशेंट्स को दिए जाते हैं. उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उनकी कैलोरी डेवलपमेंट की जाती है कि एक दिन में उनको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए. इसके अलावा उनके क्लिनिकल सिम्टम्स देख के, उनकी बायोकेमिकल प्रोफाइल देखकर उनकी न्यूट्रिएंट थेरेपी भी प्लान की जाती है क्योंकि अंडरवेट पेशेंट्स के अंदर इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है. इम्यूनिटी वीक होने की वजह से उनके अंदर डिफरेंट डिजीज़ की डिवेलपमेंट का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है. तो इसलिए बहुत से पेशेंट्स के अंदर HP लेवल्स कम हो जाते हैं, कैल्शियम लेवल्स कम हो रहे होते हैं. तो इसलिए उनके सिम्टम्स देखते हुए उनको ऐसे सप्लीमेंट्स रिकमेंड किया जाते हैं जो उनको इन बायोकेमिकल प्रोफाइल्स को नॉर्मल करने में हेल्प आउट कर सकते हैं. न्यूट्रिएंट थेरेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट्स के क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स देख के, उनके बायोकेमिकल प्रोफाइल देखकर उनको प्लान किया जाता है. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं क्योंकि हर पेशेंट की अपनी बायोकेमिस्ट्री है, अपने बायोकेमिकल प्रोफाइल है. सेल्फ मेडिकेशन से ये होता है कि पेशेंट्स में साइड इफ़ेक्ट्स के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं बिकॉज वो एक दूसरे से पूछते हैं कि आपने ही ली, आपको असर हुआ. तो इसका बिल्कुल हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप
अगर किसी को फॉलो कर कर कोई सप्लीमेंट थेरेपी लेते हैं तो उसका रिजल्ट आप पे भी अच्छा आए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने न्यूट्रिशन कंसल्टेंट की कंसल्टेशन के बाद सप्लीमेंटल थेरेपीज को फॉलो किया जाए, क्योंकि वो आपकी बायोकेमिस्ट्री देखकर, आपकी लैब वैल्यूज को देखकर प्लान करता है, जिसके बाद आपके अंदर उसके सिम्टम्स जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। अगर आप लोग मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे बुकिंग करवा सकते हैं। थैंक यू।